माय क्यूटीज एंड ब्यूटी, हाय, अस्सलाम वालेकुम। तो हियर इज द पार्ट टू ऑफ मेकअप हॉल जो मैंने अभी शेयर किया था कुछ दिन पहले। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। लेट्स मूव ऑन द आईज बेस। हो गया हमारा कंप्लीट। तो मैंने कुछ दिन पहले एक आई शेडो पैलेट मंगाया था फ्रॉम ब्लू हेवन एंड मैंने सोचा था कि अगर वो वर्क करेगा तो उसका सीरीज बनाया जाएगा ताकि आप लोगों का एक पैलेट में ही काम हो जाए। एंड दिस इज द पैलेट। दिस इज ब्लू हेवन ब्लिंग मैट एंड मेटालिक आई शेडो पैलेट। इसमें मैट शेड्स भी हैं एंड मेटालिक शेड्स भी हैं। एंड ये मैंने मंगाया था 150 में, 40% ऑफ था शायद उस टाइम पे। एंड इसका जो शेड है वो है प्लेफुल बर्स। इसमें आपको बहुत सारे शेड वैरायटी मिल जाती है। आई डोंट नो कि उनका भी फॉर्मुलेशन कुछ ऐसा ही होगा, बट मैंने सबसे रंगीला रंगोली मंगाया है क्योंकि मुझे अपनी आँखों पर रंगोली खेलना बहुत पसंद है। और अगेन आई एम इम्प्रेस्ड विद द पैकेजिंग। लाइक लुक एट दिस पैकेजिंग एंड जस्ट आप बाहर से देख के लचो एंड उसके बाद आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। करो साइड से निकालो एंड दिस इज सो फ्लिंजी पैकेजिंग जो आजकल किसी भी पैलेट में अच्छी नहीं लगती है। एंड इसका कैप कभी कभी कैप कह रही हूँ, इसका ढक्कन कभी कभी निकल भी जाता है, तो दैट्स नॉट गुड। तो मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखा देते हैं। दिस इज द पिगमेंट ऑन इसकी भी देख लो आप। ओ नो पिगमेंट राइट। एंड ये इसका मैट मेटालिक शेड है तो दिस मच पिगमेंट। और ये ब्लू शेड सी पिगमेंट आई थे। एंड हियर इज येलो शेड। और देखो सी दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ तो आपने शेड्स का स्वाचर देख लिया एंड इट फेड्स लाइक मैजिक, तो आपको क्या पता ही नहीं चलता है। तो मुझे एकदम पैसा बर्बाद लगा। एंड इसके बाद वाला जो पैलेट मैं आपको हॉल में दिखाऊंगी मेरे ख्याल से वो बॉम हो सकता है। इस बार मेरे पास लाइनर के लिए कुछ भी नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम सो सॉरी। बट आई हैव सो मच आई पेंसिल्स। आई पूरा कलेक्शन उठा के मैं लाई, तो आई हैव बंच ऑफ आई पेंसिल्स। आपको कुछ तो कुछ जरूर आई पेंसिल्स में पसंद आ ही जाएगी। तो मेरा जो एक ऑल टाइम फेवरेट है वो तो आप जानते हैं, दैट इज फेसेस मैक। दिस वन पे दो ब्लैक काजल है फ्रॉम एन वाई पे। इसकी पैकेजिंग खो गई है, कितना पतला लाइन ड्रा हुआ है राइट। एंड ये कहता है कि वन स्वाइप एप्लीकेशन इसकी है। बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है ऑफकोर्स एंड अफोर्डेबल में काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ये थोड़ा मतलब लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी है, बट फेसेस कैनेडा सबका बाप है। वो मतलब मुंह धो लो कुछ भी कर लो वो आपकी आंखों पे रहेगा। ही इज सो लॉयल गाइस। सो नेक्स्ट मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का आई पेंसिल और ये ट्रैक्टेबल पेंसिल है। एंड दिस इज शार्पनेबल पेंसिल। द ओनली थिंग जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये है कि इसके साथ कोई शार्पनर नहीं आता यार, क्या आपने मुँह से छीन लेंगे इसको काट लेंगे? एटलीस्ट समथिंग शुड मेक सेंस राइट। तो इस बारे में ये जीत गया। बाय द वे इसका जो प्राइसेस है वो मुझे याद नहीं है, तो इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये है कुछ अमेजन पे मुझे दिखा था, इट्स वेरी चीप कह सकते हैं बिकॉज 89 रुपीज़ में और 89 रुपीज़ में मुझे कलर्ड काजल मिला। एंड इसके इतने सारे शेड रेंज है इसमें, आपको ब्लैक पर्पल रेड ब्लू ग्रीन कॉपर गोल्डन मतलब सारी दुनिया भर का रंगोली आपको जो बनाना है आप इससे बना सकते हैं। तो इसकी इनर पैकेजिंग इज समथिंग लाइक दिस एंड लुक एट द लग्जूरियस पैकेजिंग गाइस। पर्पल कलर की पैकेजिंग एंड पर्पल कलर की पैकेजिंग एंड इसके साथ शार्पनर भी आता है जो काम करता है। मैंने काम इसको करा के देखा है। लेट मी शो यू द स्वॉचेस एंड दिस। आप लोग मुझे फॉलो करते हो, अभी तक तो नहीं करते हो तो कर लो, फॉलो करना स्टार्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो आप मुझे जानते होंगे कि आई एम सो बिग फैन ऑफ कलर्ड काजल एंड मेरे पास भर भर के कलर्ड काजल है। तो ये भी बहुत अच्छा है। जस्ट मुझे एक चीज़ ऐसा लगता है ना कि इसको लगाने पे मुझे ऐसे नींद आने लगती है। ड्रग्स तो नहीं मिला इसमें, नो नो जस्ट जोकिंग, कहीं कंपनी वाले केस ना करते मेरे पे। अगर आपकी आई सेंसिटिव नहीं है तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। आप इसके लिए बेझिझक जा सकते हैं। एज यू कैन सी वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा मतलब आईज पे लगता है। आप कोई भी कलर इसका ले सकते हैं। और हाँ ऐसा नहीं है कि स्मज हो जाता है, सी इट्स नॉट स्मजिंग ऑल्सो। तो नेक्स्ट मेरे पास है इसका पैकेट, मेरे से खो गया था, हेल्थ एंड ग्लो काजल। ये भी मुझे अमेजन पे मिला था। ये कुछ उतना अच्छा मुझे नहीं लगा क्योंकि इसके वन स्वाइप एप्लीकेशन ये बहुत ही ज़्यादा घिस घिस के लगाना पड़ता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे भी घिस घिस के लगाना पड़ रहा है तो अच्छा ही नहीं लगा। तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, कलर ठीक है बट बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्या मतलब है इसका। तो नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे पास है माय ग्लैम का सुपर फूड्स काजल। दिस इज इन द शेड ऊपर जो कि एक ब्राउन शेड है एंड इसकी वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है। एंड यू सी जो एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी वो ये कि मुझे लगाने पर नींद नहीं आई। मुझे बहुत सारे काजल लगाने पर नींद आने लगती है, आँखें बंद होने लगती है, आँखों से पानी गिरने लगता है, तो इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर आप इसका और शेड ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। एंड नाउ अब जब सब काजल का हो गया है तो लेट्स डू अ स्मज टेस्ट एंड लेट मी स्मज इट। कैन यू सी इसमें से कोई भी फेड नहीं हुआ है जस्ट इसका। तो लास्ट वाले को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। आप इसका जो शेड आता है वो ट्राई कर सकते हैं। इवन आप ब्लू हेवन का कलर काजल ट्राई कर सकते हैं, दैट वॉज बेस्ट। मेरे पास ग्रीन शेड था उसका,
बट वो खत्म हो गया तो मैं उसको अभी रीस्टॉक नहीं कर पाई बिकॉज आई थॉट लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. ओके तो नेक्स्ट मूव ऑन द आईब्रोज. आईब्रोज को तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो मेरे पास है इन साइड की आईब्रो डिफाइनर पेंसिल. तो अभी मैंने यही लगाया हुआ है एंड दिस इज इन द शेड ब्राउन. और ये पेंसिल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. एंड ये मुझे शायद 80 rupees में या फिर 100 rupees में मिली थी, तो ठीक है. तो ऐसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसने मेरे ब्रोज को फिल किया है. आप इसके लिए बेशक जा सकते हैं एंड ये आसानी से समझ भी नहीं होती है और पूरा दिन चलती है आराम से. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस. दिस इज द ब्लू हेवन स्कर्ट एंड सेट आईब्रो डिफाइनर. दिस इज हाउ द इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक. मैंने फुल फेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट में इसको ट्राई किया था तो मुझे बिल्कुल ये अजीब लगा. लाइक आप इसको अलोन यूज़ नहीं कर सकते. हाँ, अगर आपके आईब्रोज फिलिन हैं जस्ट आप इसको लॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. कि आपका घुले डुले ना बिल्कुल भी कलर आप सोचे कि इसी से फिलिन हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल. इवन मेरी काफ़ी ज़्यादा फुलर आईब्रोज हैं फिर भी ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इससे अपनी आईब्रोज को सिर्फ अकेले अकेले कर लूँ. एंड ये बहुत ख़राब लगता है, इधर उधर फैल जाता है. एंड यू नो जो प्रॉपर क्रिस्प लाइन होती है वो नहीं मिलती है. दैट्स वाई आई डोंट नो वाई दिस प्रोडक्ट इज़. बट आप इसको टॉपअप कर सकते हैं अपने आईब्रो प्रोडक्ट के साथ. नेक्स्ट मस्कारा है तो एंड वो है ये ब्लू हेवन का एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा. एंड लेट मी टेल यू अ ट्रेजेडी यू गाइस. बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट में मैंने लोकल मार्केट से एक मस्कारा मंगाया था 4 rupees 100. एंड उसको मैंने जब लगाया तो इट वाज नथिंग बट पानी में काला रंग घोल के पैक कर दिया गया. उसको मस्कारे का नाम दे दिया गया. बट मुझे ये 94 rupees का मिला एंड दिस इज़ वॉट मस्कारा शुड बी. मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल बहुत अच्छा कर देता है, बहुत अच्छा कर देता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं. लाइक तो मेबेलिन एंड फेसेस कैनेडा वो सब तो बहुत अच्छे हैं. उसके लिए आपको पे भी करना पड़ता है ऑलमोस्ट 350-300. बट ये 100 rupees के अंदर आपको मिलता है एंड काफ़ी अच्छी, जैसे बोल रहे हैं एक्सट्रीम लेंथ. यस, एक्सट्रीम लेंथ ये आपको प्रोवाइड करता है. तो अगर आपको 100 rupees में मस्कारा चाहिए ब्लू हेवन के साथ जा सकते हैं ऑफकोर्स. नेक्स्ट ब्लश के लिए है दिस ब्लश बाई ब्लू हेवन. आ गया भाई. हाँ, किस एंड ब्लश. दिस इज सच अ गुड प्रोडक्ट. इट गिव्स यू दैट फ्लॉलेस एंड नेचुरल फिनिश, लाइक नेचुरल ब्लश. और मेरा जो शेड है वो म्यूटेड पीच, एक न्यूड टाइप का शेड है, पीच टाइप का शेड है. मेरे पे जो पीच टाइप के शेड होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. बट ये लिप एंड चीक टिंट है तो आपके लिप्स को जस्ट हल्का सा फुल्का सा टिंट देगा, उसके अलावा नथिंग. फेस पे बहुत अच्छा लगता है, ग्लो भी देता है, थोड़ा सा ड्यू भी लगता है एंड नेचुरल भी लगता है एंड बहुत अच्छा लगता है. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. तो मैंने बताया कि मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है सो दिस इज व्हाट आई एम गोना यूज ऑन द डेली बेसिस. बाय द वे लेट मी शो यू द शेड. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल शेड, वेरी क्रीमी, लाइक वेरी क्रीमी. पता नहीं आपको दिख रहा है. ओके सो सब कुछ हो चुका है, इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक. दिस इज द नायका ऑल डे मैट लिक्विड लिपस्टिक. और तो इस पर कुछ लिखा है नहीं बट लेट मी टेल यू अबाउट द फॉर्मुलेशन. इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. एकदम चैप्ड भी लगती है. बट हाँ, आपको अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा बिकॉज मेरे बहुत ज़्यादा फटे होने हैं. तो अब मुझे थोड़ी सी ड्राई आउट कर दिया और अभी पूरा दिन चल जाएगी बिकॉज मेरी पूरा दिन चली थी. दैट्स वाई आई एम सेइंग इट. इज द स्वॉच ऑफ द लिप कलर. नेक्स्ट मेरे पास ये नायका की मोल्टन मैट लिप एंड चीक टिंट एंड दिस इज द शेड है वो है सामंत. ये जो पोस्ट होती थी पुराने ज़माने में राजा महाराजा दिया करते थे वो ये सामंत. एक्चुअली मैंने हिस्ट्री पढ़ा है बीए के एग्जाम के लिए अभी. दैट्स वाई आई यहाँ पे ज्ञान दे रही हूँ मैं आप लोगों को. दिस इज द शेड. आई डोंट लाइक द एप्लीकेटर. ये वाला एप्लीकेटर मुझे पसंद नहीं आया. इट्स लाइक मुक्केदार, यू नो, इसमें थोड़ा सा छेद है. ये बहुत ज़्यादा थिन है, मतलब जैसे लिक्विड लिपस्टिक होती है वैसे नहीं. ऑफकोर्स ये टिंट है इसलिए होगा. एंड हाँ, ये आपके यू नो चीक्स पे बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है एंड इट लुक्स वेरी नेचुरल. एंड टिंट आपको देती है काफ़ी अच्छा एंड स्टे भी करती है काफ़ी अच्छा. बट वही है कि आपके लिप्स ड्राई नहीं होने चाहिए. तो नेक्स्ट है मेरे पास ये है एले कलर्स की मैट लिक्विड लिपस्टिक. एंड ये 50% डिस्काउंट पे थी नायका पे लास्ट टाइम, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई इट, व्हाई नॉट. मुझे ना खूब डार्क एकदम बिल्कुल डार्क सा शेड लेना था तो इसके लिए मैंने इसको चूज़ किया था. एंड दिस इज द शेड. आई कैन नॉट एक्सप्लेन द शेड बट कूल टोन ब्राउन है. इसकी स्मेल इज चॉकलेट, एकदम चॉकलेट स्मेल करता है. ये मेरे ऊपर उतना अच्छा नहीं लगता. अगर आप और फेयर हो तो आपके ऊपर ये और अच्छा लगेगा. मुझे इसको थोड़ा लाइन करके एंड कैसे कैसे करके काम चलाना पड़ता है, अदरवाइज ये थोड़ा ऑड ऑकवर्ड लगता है मेरे पे. बट द फॉर्मुलेशन इसका भी अच्छा है एंड ये बहुत ज़्यादा स्टे नहीं करती है. मैक्सिमम 1 to 2 hours, दैट्स इट. दीज आर क्विक ड्राई. और अगर इसमें आपको मेरा शेड जाना है तो इट इज़ स्मैशिंग. दिस इज इट फॉर द हॉल. इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको देखने मिल गया होगा ऑलरेडी. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग देख लेना. सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को. मैं यहाँ पे अपनी लिंक कर दूंगी उस वाली वीडियो को, यहाँ पे आ दूंगी अपना मेकअप ट्यूटोरियल. टिल देन टेक केयर एंड बाय.